जो सामने का बिल्कुल एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये हमारा है शायद। और आई थिंक जो फिर वो बाद का वाला एरिया है जहाँ से ये बॉर्डर और लाइन शुरू हो रही है, ये वाला एरिया शायद फिर इंडियन ऑक्यूपाइड है। आई एम नॉट श्योर। तो जी फाइनली वी आर हेयर एट कुंदाचाई वाटरफॉल, द मोस्ट अवेटेड प्लेस। चेक कर सकते हैं आप लोग तो, कितनी खूबसूरत जगह है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मुजफ्फ़राबाद। तो जी डे टू में हमने जो है मुजफ्फ़राबाद तक का जो है ट्रैवल किया था। अब आज जो है हम प्लान ये लेके चल रहे हैं कि मुजफ्फ़राबाद से निकलते हैं, नीलम वैली जाते हैं, और नीलम वैली के आसपास जितने भी एरियाज आ रहे हैं लाइक आरांकेल वगैरह, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी जो है हम लोग बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, सामान वगैरह बाइक पे बांध लिए हैं तो बस निकलने ही करते हैं। ये सामान वगैरह सारा बाइक में मैंने बांध लिया है और अब रेडी है, बस निकल रहे हैं हम लोग नीलम वैली के लिए। होटल से जी हमने चेकआउट कर दिया है, अब निकल रहे हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख़्ख़र किया, वरना हम इसको काबू करने की सलाहियत ना रखते थे, और एक न एक दिन हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारे दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। आज जो है हम जा रहे हैं नीलम वैली और उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने, और इस वक्त जो है हम मुजफ़्फ़राबाद से निकल रहे हैं तकरीबन 10:30 बजे। तो क्योंकि दे लेट हो गए क्योंकि रात को ज़रा सोए थे लेट, हम खाना वाना खाने बाहर चले गए थे तो इस वजह से जो है हम लेट हो गए। तो अभी बस निकल रहे हैं, इनके बाज़ार में से जा रहे हैं मुजफ़्फ़राबाद के। यहाँ से रास्ता निकलेगा सीधा नीलम वैली की तरफ और फिर वहाँ से जो है आगे आरांकेल रत्ती गली जो भी रास्ते में आएगा। रत्ती गली जाने का तो हमारा प्लान नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो है बाइक खड़ी करो और फिर जो है वो ट्रैकिंग है, तो हमने ये सोचा है कि डायरेक्ट आरांकेल चलते हैं, वहाँ पर किसी होटल पे जो है वो बाइक वगैरह खड़ी करके फिर चेयर लिफ्ट के थ्रू जो है ना आरांकेल जाएंगे। तो ये प्लान्स हैं आज के, देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं, बाकी अल्लाह हमारा हामी नासिर हो इस सफ़र में। अच्छा, ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं ये कोई मुजफ़्फ़राबाद के अंदर से ही रास्ता निकलता है नीलम वैली का ना, क्योंकि जब मैंने वहाँ से गूगल लोकेशन पे सर्च किया था तो जो है वो मुझे नारायण कागान वाली साइड से जो है ना आरांकेल लेके जा रहा था, तो तकरीबन वो 226 किलोमीटर था और 8 घंटे का वो रास्ता था। तो अब जो है इस जगह से जो है हम 8 मकाम से जा रहे हैं, तो यहाँ से तकरीबन जो है हमारा रास्ता 3 घंटे का हो जाएगा जो कि शायद 80 या 70 किलोमीटर बनता है। तो अभी जो है रास्ता कल हमने समझा तो है, लेकिन अभी फिर भी जो है किसी से यहाँ से पूछ लेते हैं कि रास्ता जो है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो आइडिया हो जाएगा। गलत जाने से बेहतर है किसी से पूछ लिया जाए। अभी जो है भाई हम नीलम रोड पे जो है वो चढ़ चुके हैं और यहाँ से अब हमें कितना आगे तक जाना है ये तो मैं सफ़र जब कवर होगा तभी बताऊँगा। फ़िलहाल ये है कि रोड साफ़ सुथरी है, अभी तक कोई वो नहीं मिला हमें। व्यूज़ यहाँ से बहुत अच्छे आ रहे हैं, यहाँ से कोई एक नया किस्म का व्यू हमें मिल रहा है। ज़्यादा ग्रीनरी भी नहीं है और रेतीले पहाड़ भी हैं, तो मतलब जो है मिक्सचर है मतलब, लेकिन व्यू बहुत कमाल का है। गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है भाई यहाँ, अगर कहीं भी 2 मिनट के लिए भी रुक रहे हैं तो ऐसी हालत हो रही है कि बस फ़ौरन निकलने वाली कर रहे हैं, ज़्यादा रुक नहीं रहे फिर।
आई थिंक हम दोबारा जो है वो चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। हमने पी चनासी कैंसिल इसलिए किया कि हमें मज़ीद चढ़ाई चढ़ने का दिल नहीं कर रहा था अब, लेकिन अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ शायद फिर चढ़ाई है तो अब चलना पड़ेगा। यार मुझे ऑडियो बताइएगा आप लोग के ऑडियो सही आ रही है या नहीं, क्योंकि मैंने जो है कल वाली वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखा, उसमें जो है मुझे वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो मिली है, तो मैंने जो है थोड़ा सा एडजस्ट किया है इसको। तो आप बताएं मुझे, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि फिर इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और काम किया जाए अगर सही नहीं है तो। वैसे तो मेरे पास नॉइस कैंसिलेशन माइक है, नॉइस कैंसिलेशन तो अच्छी है इसकी। अगर मैं माइक पे बात कर रहा हूँ तो बाहर का शोर ज़रा सा भी नहीं आएगा, बट कल मसला ये हो गया था कि वॉइस जो थी वो इसकी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। ये जो भाई आप साथ में दरिया देख रहे हो या झील या नहर जो भी कहेंगे इसको, ये सीधा जो है नीलम वैली से यहाँ से कनेक्ट होता हुआ आ रहा है, और ये पूरा जो है मुजफ्फराबाद शहर में जा रहा है, ये नीलम वैली से आ रही है सारी नहर। अच्छा कश्मीरियों की जो शक्लें हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है यार। मतलब एक तो होता है ना कि कश्मीरी और पठान जो है आपस में जो है बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना उनकी शक्लें बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा यहाँ की मिट्टी कुछ डिफरेंट किस्म की है, जो पत्थर और मिट्टी है ना वो रेड कलर की है, लाइट ब्राउन कलर जो होता है ना, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन इस टाइप की कलर की जो है ना इनकी मिट्टी और पहाड़ है पत्थर है। मशीनरी खड़ी हुई है यहाँ से, सारी कटाई कटाई करके लेके जाते होंगे आगे। अभी नीचे तो यार बहुत गर्मी है, अब जिस जिस जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे देखते हैं उस हिसाब से कितना टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अच्छा जी अभी क्या रास्ता दिखा रहा है, अभी तुमने अठवो काम की लोकेशन लगाई है ना? हाँ तो ये अभी कितना दूर है, 15 किलोमीटर? अभी कितना दिखा रहा है? अबे यार गलत जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उस बंदे ने हमें जो राइट बताया था वो कह रहा था 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से अठ मकाम। नहीं उस बंदे ने कहा था कि आड़ांगकेल का रास्ता 3 घंटे का है, 1.5 घंटे आपको यहाँ से अठ मकाम जाने में लगेंगे, और फिर हाँ तो बस सही है ना। भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने पानी वगैरह पीने के लिए और बबल वगैरह लिए, तो अब फिर से चल रहे हैं तकरीबन यहाँ से नीलम वैली। जो ये बंदा बता रहा है कह रहा है अभी 2 घंटे मजीद आपको लगेंगे, तो ये सीन है अभी तक हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 घंटे में हमने 30 किलोमीटर कवर किया आज। मतलब कितना दूर है नीलम वैली, जो हमें मुजफ्फराबाद से जो है उसकी नहर जुड़ती हुई मिली और पूरे रास्ते जो है हमें यहाँ से नहर मिलती हुई जा रही है नीलम वैली। मतलब बहुत बड़ी वैली है यार। ये सारी जो जा रही है ये नीलम वैली से ही कनेक्टेड है ये नहर,
तो आप अंदाज़ा लगा लो आपकी नीलम वैली जो है कितनी दूर से आ रही है। वो कौन सा रास्ता जा रहा है? वो अलग रास्ता है यार, कोई इसी रास्ते से आए हैं। अच्छा कोई एक पॉइंट आया है यहाँ पर जो है एक आबशार बह रही है और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। पता नहीं है कौन सी जगह है। पता नहीं कौन सी जगह है, ये लोग वगैरह हैं यहाँ पर काफ़ी। टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ होगा एक कोई छोटा मोटा सा। मतलब व्यू इतना कोई ख़ास नहीं था कि यहाँ रुक के जो है पिक्चर्स वगैरह ली जाए, तो इस वजह से हम यहाँ नहीं रुके। तो अब हम डायरेक्ट जो है वो आगे जा रहे हैं अपने रास्ते में। कहीं कहीं बहुत इजी टर्न आ रहा है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा शार्प टर्न आ रहा है, तो बहुत ध्यान से जो है ना उन टर्न से जो है ना निकलना पड़ रहा है, क्योंकि शार्प टर्न पे जो है सामने से गाड़ी भी आ रही है और हमें भी निकलना है, तो बहुत ध्यान करना पड़ रहा है। यहाँ पर मौसम में कोई चेंज नहीं आया, हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन मौसम वैसा ही है, गर्मी में कोई कमी नहीं है। कश्मीर साइड पे जितना हम ऊपर जा रहे थे उतनी ज़्यादा जो है वहाँ ठंड बढ़ रही थी, पर यहाँ पर तो जो है उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। शाहदरा यहाँ से तकरीबन अभी 100 किलोमीटर दूर है और नौशेरी जो है वो 7 किलोमीटर है, 7 या पता नहीं 17, सही से देखा नहीं मैंने। और नीलम वैली का कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें अभी, बस हम चल ही रहे हैं। इतना पता है कि बस नीलम वैली है इसी रोड पे ही ना, तकरीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता और होगा तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह वो भी कवर, मसला कोई नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन कि आप जो है ना किस तरह से खुद को मोटिवेट करते हो। शुरू में जैसे कल हुआ, हम लोग गंगा चोटी नहीं जा रहे थे जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ ज़्यादा फॉग हो गई थी और नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर लोगों ने भी हमें मोटिवेट किया कि भाई आप जाओ, इतनी दूर से आए हो, इस जगह को मिस कर दोगे और एंड ऑल। सुबह भी जब हम निकल रहे थे तो हमने ये सोचा था वहाँ अंकल जाएंगे, बट अभी इतना लंबा रास्ता देखे ना हम डिमोटिवेट हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल के हिसाब से जो हमारा प्लान है वो चेंज हो गया है और ये है कि हम नीलम पहुँचते हैं और नीलम देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे, वहीं स्टे करना है या आगे चलना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आगे जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरा इरादा यह है कि अगर हम आज ही जो है नीलम देख के वापस आ जाएँ तो अच्छा है, बट तैमूर मना कर रहा है, वो कह रहा है कि नीलम में ही रुक जाएंगे, कल फिर यहाँ से वापस आएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। रास्ता अच्छा है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लेकिन गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा सर भी दुख रहा है और गर्मी की वजह से जो है ना पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाइक रोकने का काम नहीं है, आप जहाँ बाइक रोकोगे ना आपको गर्मी से बुरा हाल हो जाएगा, चलते रहो, हवा लगती रहेगी तो फिर जो है कि आपका सफ़र कटता रहेगा। तो ये सीन है, अब देखते हैं आगे चल के नीलम वैली पे मिलते हैं। ओ खैर, जंपे बहुत बनाई हुई है, पता नहीं ज़बरदस्ती की जंपे बनाई हुई है इन रोडों पे। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर पहाड़ी इलाके में जंप बनाने का क्या काम है यार, क्या सोच के इन्होंने ये जंप बनाई है। और इतनी बड़ी बड़ी और ख़तरनाक किस्म की जंपे हैं ना, बंदे का अंदर से पूरा निज़ाम हिल जाए। अ गेटवे टू हेवन, नीलम वैली वेलकम्स यू, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। सो
नीलम वैली का तो यहाँ से रास्ता शुरू हो गया है और ये लिखा हुआ है अ गेटवे टू नीलम वैली। मेरी भी ले लो अब, एक आगे ले, आगे लो, पिक्चर लेनी है अपनी। ओए होए, तो ये नीलम वैली से आ रहा होगा ना सारा? बारिश का नहीं है ये सारा डैम का, नीलम वैली से होता हुआ आ रहा है पानी ये भाई। अभी जो है डैम का पानी चेक कराते हैं आपको कितने प्रेशर से आ रहा है। जस्ट चेक दिस, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, बाकायदा ठाटे मारता हुआ, जैसे समंदर नहीं होता इस तरह से जो है ना यहाँ से पानी निकल रहा है। और पूरा ये जो एरिया है ना, ये सारा फिर जो हम अभी देखते हुए आए हैं रास्ते में, ये सारा जो है ना कवर्ड हो रहा है। आगे जो मुजफ्फराबाद में जो हमने झील देखी थी, वो झील है जो यहाँ से मिल रही है। अब हमें ये कन्फर्म नहीं है कि ये पानी आया नीलम वैली से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये एक पूरा जो है ना डैम बना हुआ है, ये एक पूरा डैम बना हुआ है। और आगे जो है वो ऑफ रोड ट्रैक है, चलो। ये पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए यहाँ से। बिस्मिल्लाह यार, गर्मी बहुत है यार। गाड़ी पहले या दूसरे गियर में चलाएं? जी सर, हुक्म। अब यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक जो है शुरू हो गया है नीलम वैली का। अब वैली कितनी दूर है यह हमें नहीं पता, नीलम वैली के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, मतलब झील जो है एक्चुअल में। ये तो कंटिन्यू चल रही है यहीं से। हर जगह की एक अलग ही खूबसूरती है, कह रहा हूँ हर जगह की एक अलग खूबसूरती है। अब ये थोड़ा सा रास्ता जो है वो डाउनवर्ड जाए, फिर अपवर्ड जाए, फिर डाउनवर्ड जाए, फिर अपवर्ड जाए, तो अब इस तरह से थोड़ा सा रास्ता चलेगा। तो भाई अभी जो है हम नीलम वैली में एक होटल में आ गए हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तकरीबन अभी 1:30 बज रहा है, नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ा रेस्ट करके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जो है हम निकलेंगे कुंदनशाही वाटरफॉल देखने। तो अब तक की ये अपडेट है, और जिस जगह पे मैं भी यहाँ रुका हूँ यहाँ का आप सिर्फ व्यू चेक करो। ये पूरी जो है नीलम वैली की जो नीलम लेक जो कहलाती है, ये पूरी जो है ये कनेक्ट हो रही है आगे मुजफ्फराबाद से, जिसका भी मैंने पहले जिक्र किया था। और फिर ये पूरा जो यहाँ पर व्यू है, ये बहुत ही कोई आउट क्लास व्यू आ रहा है जो है मेरे होटल के रूम की बालकनी से ना, तो माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। तो भाई अभी चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ बन चाहिए करते हैं। लाहौर से थे वो 70 लाख के एक था वो बता रहे थे, पता नहीं वो कौन सा है। तो भाई अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा से राइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने कुंदनशाही की, और उससे पहले हम एक बाजार में रुकेंगे, वहाँ खाना वगैरह खाएंगे और फिर आगे चलेंगे।
तो मैं सब निकल रहा था। वॉटरफॉल देखने की जगह हम लोग केरल जा रहे हैं और वहाँ से वापसी की तरफ वॉटरफॉल देखने के आएंगे। जहाँ पर खाना खाने रुके थे वहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे थी और सॉरी वाटरफॉल जो थी वो यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे थे और खाना खाने रुके थे और केरल वहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के रास्ते पर था। तो आपने कहा यार केरल देखा है वापसी जब आएंगे। ब्लॉक में जाके आओ उस तरफ चलो भाई। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद कराची मेरे पास एकदम मोबाइल में 2 टाइम जाना शुरू हो गए। जैसे ही हम केरन पहुँचे मेरे पास 2 टाइम शुरू हो गया आना। तो ये तो सामने का बिल्कुल एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये हमारा है शायद। और आई थिंक जो फिर वो बाद का वाला एरिया है जहाँ से ये बॉर्डर लाइन शुरू होगी ये वाला एरिया शायद इंडियन ऑक्यूपाइड है। I'm not sure. यहाँ किसी से पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। जी ये जगह जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये सारा केरल का एरिया है
जो मैंने यहाँ पर कंफर्म किया है कि वो वाली जो जगह है सामने, बिल्कुल वो जो बड़ी सी एक चोटी नजर आ रही है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो सारा एरिया जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड है। वहाँ पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और ये जो एक वैली है ये पूरी जो कंटिन्यू है यार, बहुत बड़ी वैली है, ये पूरी कंटिन्यू मुजफ्फराबाद तक जा रही है। और बाकी ये हमारे आगे ये हमारा ऑक्यूपाइड एरिया पाकिस्तान का, कश्मीर का सारा। तो अभी जो है बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, तकरीबन 6 सवा 6 हो गए, असर की हमने नमाज़ पढ़ी है। अब यहाँ से वापस चलते हैं और कुंदन शाही उस जगह पे चलते हैं और फिर वहाँ से जो अपने दिल की तरफ वापस जाएंगे और इस वीडियो को वहीं एंड करते हैं। तो फाइनली वी आर हेयर एट कुंदन शाही वाटरफॉल, द मोस्ट अवेटेड प्लेस। चेक कर सकते हैं आप लोग तो, कितनी खूबसूरत जगह है, इस जगह की खूबसूरती और इस जगह का व्यू अलग ही है। रास्ता भी मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा ऑफ रोड है और बाकी जो है ये पूरा रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। छोटा सा ये रास्ता वहाँ तक जा रहा है और भाई यहाँ आने के लिए जो है वो टिकट देना पड़ेगा, टिकट है इस वाटरफॉल के व्यू को देखने के लिए यहाँ से अगर आप आ रहे हो तो। ये थी एक सारी अपडेट और वापसी आते हुए मैं जो है इस ऑफ रोड की जो वीडियो नहीं बना सका तो वापसी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, मैं वो आपको दिखाऊंगा जो वो रोड कैसी है। कुंदन शाही की जो वाटरफॉल थी वो भी अलहमदिल्ला हमने देख ली है और अब तकरीबन मगरिब भी हो गई है, तो बस अब होटल की तरफ जाते हैं और रेस्ट करते हैं क्योंकि कल सुबह फिर 7 बजे उठना है। आज हमने घूमा है, मुजफ्फराबाद से हम आज निकले थे, आज हमने कवर किया है नीलम वैली, फिर नीलम वैली से हम लोग चले गए केरन और फिर केरन से वापसी में जो है हम आए कुंदन शाही और अब यहाँ से वापसी में हम जा रहे हैं होटल और कल जो है हम लोग इंशाल्लाह नीलम वैली से निकलेंगे वापसी की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस जो हैं पसंद आएंगी सारी इंशाल्लाह, तो अप्रिशिएट कीजिएगा लाइक कमेंट शेयर करके ताकि मज़ीद इस तरह के ट्रिप प्लान किए जाएँ और वीडियोस में जो है आपको इस तरह की और जगह एक्सप्लोर करके दिखाई जाए। ये जो है कुंदन शाही से वापसी का रोड है, आते हुए रोड की जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने कहा जाते हुए जो है मैं बना लेता हूँ, थोड़ा सा नाइट व्यू भी आ जाएगा और जितना छोटा मोटा ऑफ रोड ट्रैक है वो भी दिखा दूँगा। वैसे रोड साफ़ ही है, इतना ज़्यादा ऑफ रोड ट्रैक नहीं है, ईजीली आ सकते हैं हम यहाँ पर। ट्रैक बहुत छोटा सा है ये, तो यहाँ पर यूजुअली जो है वो रश ही रहता है क्योंकि छोटा सा ट्रैक है और डाइवर्जेंट रोड है, वन वे है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, अदरवाइज ट्रैक को इतना बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट का ट्रैक है। ये है जी कुंदन शाही का एक छोटा सा ऑफ रोड ट्रैक जो कि मुश्किल से 5 मिनट का है और रास्ता मैं समझा देता हूँ कि जब आप नीलम वैली से आ रहे होते हैं तो बिल्कुल सीधा आना है आपने, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं रुकना। यहाँ पर जब बाज़ार शुरू हो जाएंगे
तो पहला बाज़ार छोड़ना है आपने, और दूसरे बाज़ार पे ये इस तरह का एक ब्रिज आएगा। उस ब्रिज से जो है दो रास्ते निकल रहे हैं, एक रास्ता राइट पे निकल रहा है, एक लेफ्ट पे निकल रहा है। तो जो रास्ता राइट पे निकल रहा है वो जाता है सीधा हमारा कुंदन शाही वाटरफॉल की तरफ, और जो रास्ता हमारा लेफ्ट पे निकल रहा है वो रास्ता हमारा जाता है केरान, केल और आरांग केल, रत्ती गली, ताऊबत, ये सारे रास्ते पे जाता है। हम सिर्फ केरन तक गए थे, केरल और केल हम लोग जा नहीं सके। इरादा था हमारा जाने का लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन केरन से भी वो कोई 89 किलोमीटर जो है वो दूर था केल। तो हमारे पास टाइम भी नहीं था और हम इतना ज़्यादा वो भी नहीं थे, कंफर्टेबल भी नहीं थे वहाँ जाने के लिए, तो इस वजह से हमने वो कैंसिल कर दिया। अब बस सीधा होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल आ गए वापस भी कर अंदर। तो जी होटल आ गए फाइनली, अब सीधा रूम में चलते हैं, थकन बहुत हो गई है। तो जी अभी हम होटल वगैरह पहुंच चुके हैं, तो बस यही थी आज का वीडियो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।